डिस्कस समझ में आ गया इससे पहले। अब आ जाते हैं हैमर थ्रो, और हैमर थ्रो को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तार गोला फेंक। क्या बोलते हैं? तार गोला। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? 2.50 था डिस्कस में, और इसमें क्या होगा? इसका व्यास, इसका जो थ्रोइंग सर्किल होगा क्या होगा व्यास? जो शॉर्ट पुट का था, क्या बताया था अभी, कितना होता शॉर्ट पुट का? 2.135 मीटर। ठीक है, यानी तीनों जो तुम्हारे थ्रोइंग वाले चारों हो गए, चारों में सिर्फ एक का डिफरेंस है, वो किसका है? डिस्कस का, 2.50। बाकी तुम्हारा किसका? हैमर का और शॉर्ट पुट का। इन दोनों का कितना होता है? 2.135 मीटर। जेवलिन का कितना बताया? जेवलिन में तो गोला होता ही नहीं है, तो ये गोले वाले तीन होते हैं ना, जिनमें जिनका थ्रोइंग सर्किल बनाया जाता है, वो तीन गेम में बनाया जाता है, डिस्कस में, हैमर में और शॉर्ट पुट में, जिसमें शॉर्ट पुट का और हैमर का जो गोला होगा उसका व्यास होगा वो एक होगा, 2.135। सिर्फ अलग किसका होगा इससे पहले जो बताया? डिस्कस का, 2.50। बाकी सारी चीज सेम। इसका भी सेक्टर एंगल कितना होगा? 34.22 डिग्री। इसमें भी प्लस प्लस माइनस 5 mm ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें भी सारी लाइनें कितने सेंटीमीटर की होंगी? 5 सेंटीमीटर चौड़ी होंगी। इंडिकेटर लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी? 75 सेंटीमीटर की होगी। सेंट्रल लाइन बनेगी जो कितने अंश का कोण काटेगी? यहाँ पर 90 अंश का काटेगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होती है एज इट इज। शॉर्ट फुट, ये पूरा शॉर्ट फुट इधर है, पूरा क्या है जो शॉर्ट पुट का तुमने बनाया एकदम सेम है ना, कुछ भी अलग नहीं, सेम उसका। जो अगर तुमको शॉर्ट पुट का डायग्राम बनाना आता है, उसकी मेजरमेंट पता है उसके सेंटर की, तो तुमको हैमर का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैमर में सिर्फ तुमको क्या याद रखना है? हैमर के बारे में याद रखना है। अब हैमर में होता क्या है कि एक स्टील की प्लेट लगा दी जाती है, ऐसा होता है, स्टील की वायर के साथ कनेक्ट होता है, होता ये गोला ही है जो हम शॉर्ट पुट फेंकते हैं ना, उतना ही होता है। इसका जो व्यास वगैरह सब होगा शॉर्ट पुट का, जितना भार जितना व्यास होगा उतना ही होगा, बस फर्क क्या पड़ जाता है, इसके साथ क्या जुड़ जाती है कि स्टील की वायर, एक तार जुड़ जाती है, ये जो लगी है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टील वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टील वायर। वायर मतलब जानते हो ना, वायर मतलब क्या होता है? तार होता है। एक स्टील की तार यहाँ पर जोड़ दी जाती है। ये क्या है? ये इसकी ग्रिप है। क्या है? ग्रिप मींस पकड़, पकड़ने के लिए बनाया जाता है इसमें। और ये क्या है हमारा? ये हमारा है, क्या है ये? ये हमारा है गोला, गोला। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इसका डायग्राम होता है ऐसे। और ये जो हमारी वायर होती है कितनी लंबी होती है? स्टील की जो ये वायर लगाई जिससे इस गोले को कनेक्ट किया है, कितनी लंबी होगी? जितना हमारा ट्रैक की चौड़ाई होती है। ट्रैक की चौड़ाई कितनी बताई थी जिस पर दौड़ते हैं? 1.22 मीटर। ये जो हमारी वायर होगी ये भी कितनी लंबी होगी? 1.22 मीटर। ये जो स्टील की वायर इस पर लगी है इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? 1.22 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके वेट की हम बात कर ले तो सेम वेट एज इट इज। शॉर्ट पुट का वेट पुरुषों के लिए कितना बताया था? देखो कॉपी में, शॉर्ट पुट में पुरुषों गोले का भार कितना बताया था पुरुषों के लिए? 7.260 kg। हाँ, 7.260 kg बताया था ना? बिल्कुल। तो वेट यहाँ पर कितना होगा? अगर हम वेट की बात कर लें तो इसमें भार कितना होगा? 7.260 kg। किसके लिए? मेंस के लिए। ठीक है, और महिलाओं के लिए कितना? 4 kg। 4 kg किसके लिए? वुमेन्स के लिए। किसका वेट? हैमर का वेट। ठीक है, यानी इस गोले का जो भार होगा सिर्फ इसका, इसको छोड़ देंगे, तार हैंडल का वेट नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ इस गोले का जो वेट होगा वो पुरुषों के लिए कितना होगा? 7.260 kg, और महिलाओं के लिए कितना होगा? 4 kg। इसका जो व्यास होगा गोले का वो भी,
जो शॉर्ट पुट में था सेम होगा। तो महिला पुरुषों के लिए कितना व्यास बताया था मैंने, देखो कितना व्यास बताया था, सात व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास तूने लिखा है 110 mm से 130 mm पर पुरुषों के लिए। इसका जो व्यास बताया था 110 से 130 mm पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए कितना बताया था 95 mm से 110 mm तक। ठीक है, लिख नोट कर लेना इसको भी, इसमें अलग से मैं लिख दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, इसका इस गोले का जो व्यास होगा पुरुषों के लिए कितना होगा 110 mm से 130 mm, और महिलाओं के लिए 95 mm से लेके 110 mm। जो शॉर्ट पुट में व्यास था वही इसका भी व्यास होगा। बस डिफरेंस क्या हो जाता है, इसमें स्टील की वायर जोड़ दी जाती है जिसमें हैंडल लगी होती है। स्टील की वायर कितनी लंबी होती है 1.22 मीटर। जितनी ट्रैक की हमारी चौड़ाई होती है उतनी ही इसको रखा जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। हो गया ना, चारों चीजें हो गई ना, डिस्कस भी हो गया, हैमर भी हो गया, जेवलिन भी हो गया और शॉर्ट पुट भी हो गया। चारों हमारे थ्रोइंग इवेंट कंप्लीट हो गए। और थ्रोइंग इवेंट में कुछ नहीं, अगर तुमको ये सेक्टर तुमको पता है ना कायदे से कि क्या मार्किंग होती है, छोटी छोटी चीजें अलग है बस चारों में, ज्यादा डिफरेंस सिर्फ सबसे डिफरेंस कौन सा है हमारा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक एकदम अलग है। लेकिन बाकी अगर हम तीनों की बात करें, चाहे वो शॉर्ट पुट हो, चाहे वो डिस्कस हो, चाहे वो हैमर हो, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो भी किसमें डिफरेंस है, डिस्कस में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि ये 2.135 की जगह क्या हो जाता है 2.50 मीटर हो जाता है, और किसी एक में एक सेक्टर एंगल अलग होता है, किसमें वो जैवलिन में ही अलग होता है, कितने डिग्री का 29 डिग्री का। बाकी सब में देखोगे सेक्टर एंगल कितना है, चेक करो तीनों में 34.92 डिग्री है कि नहीं है, चेक करो कॉपी में, हैमर में, डिस्कस में, शॉर्ट पुट में, तीनों में 34.92 डिग्री है ना। तो यानी कि अगर एक भी तुमने कायदे से याद कर लिया तो सारे के मेजरमेंट तुमको क्या हो जाएंगे याद। यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, शॉर्ट पुट में अगर तुमको उसका पूरा गोले का व्यास और वेट याद है तो हैमर में तुमको केवल क्या याद रखना है, उसकी जो तार लगी उसकी लंबाई, बाकी सारी चीजें सेम। महिला पुरुष का वजन भी उतना ही है जो गोले में था, उसका डायमीटर यानी व्यास भी गोले का जितना उसमें था उतना इसमें ही है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज है। यानी अगर केवल तुमने डिस्कस को ढंग से याद कर लिया, सॉरी डिस्कस कह रहा हूँ, शॉर्ट पुट को ढंग से याद कर लिया तो हैमर तुमको आराम से याद हो जाएगा और डिस्कस भी याद हो जाएगा। डिस्कस में तुमको केवल वेट अलग मिलेगा, वो भी आसान है 2 किलो 1 किलो है ना, और उसका डायमीटर भी बहुत आसान है पुरुषों के लिए 22 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 18 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा एथलेटिक्स के कौन से इवेंट हो गए, फील्ड इवेंट का एक पार्ट हो गया। कौन से, फेंकने वाले। फील्ड इवेंट में दो पार्ट है ना, एक कूदने वाले और एक फेंकने वाले। तो फील्ड इवेंट में हमने एक सेक्शन आज कंप्लीट कर लिया जिसको हम बोलते हैं थ्रोइंग इवेंट। कौन सी इवेंट, थ्रोइंग इवेंट।